और आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि प्रीति भी हिसार आ चुकी है। तो गाइस प्रीति आ चुकी है। अरे वाह, अच्छी लग रही है शर्ट, अच्छी लग रही है। थैंक यू। और ये क्या फेदर कट करवाया है? अभी तो बस स्पा करवाया था, स्पा करवाया है। अच्छे लग रहे हैं बाल वाल। तो एक बार तरह के खुद के नेल्स देखना कितने प्यारे लग रहे हैं। प्रीति के साथ क्या करने वाले हैं? हम नेल टिप्स लगा रहे हैं। अरे वाह, क्या खाने वाने के काम आते हैं कैसे? तो हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ में हैप्पी होंगे। तो गाइस आज है 20th। तो गाइस आज है 20 तारीख है, मंडे है, और आज मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ। और आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि फंक्शन बहुत नजदीक है और क्या है, प्रीति भी हिसार आ चुकी है। तो अभी क्या है, मेरे काम तो चल ही रहे थे और अब एक और काम मेरे जिम में लगा दिया है, वो है मेकओवर। मेकओवर नहीं, मेकअप को क्या बोलते हैं, जिसमें मेकओवर ही होता है क्या, जिसमें मेकअप वगैरह होता है, नेल एक्सटेंशन वगैरह, नेल आर्ट वगैरह, ये सब चीजें होती है। तो मेरे जिम में लगा दिया है। आपको पता है गुड़गांव थी प्रीति, तो उसने ऑलरेडी गुड़गांव में कई जगह ट्राई किया, पता किया, बट फिर मैंने उनको बोला कि मेरी एक यहाँ पे फैमिली फ्रेंड्स ही हैं, मतलब उनकी डॉटर है, वो करते हैं, मतलब ना नेल एक्सटेंशन वगैरह करते हैं और सीरियसली बहुत औसम करते हैं, और उनका मेकअप भी बहुत लाइट है, डिसेंट सा है, मतलब जो होना जितना होना चाहिए ना, ओवर नहीं लगता है वो। तो मैंने प्रीति को बोला कि हाँ तू हिसार आके यहीं से करवा लियो। तो अभी मैं जा रहा हूँ प्रीति के पास, बट मुझे ये नहीं पता था कि फिर वो मुझे ही बोलेगी तुम ही साथ चलो। तो अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा, वहां पे क्या होगा, बट मेरे को लगा कि व्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होगा, मेरी यूट्यूब फैमिली को बहुत पसंद आएगा क्योंकि मोस्टली क्या है, फीमेल्स हैं, तो ये सब चीजें आपको बहुत पसंद आने वाली है, एक्सटेंशन, नेल एक्सटेंशन वगैरह क्या होते हैं, और देखते हैं कैसा होता है नेल एक्सटेंशन वगैरह। तो अभी पहले जा रहा हूँ प्रीति को पिक करने, प्रीति को पिक कर लेता हूँ। तो गाइस अभी निकल चुका हूँ और आपको मेरी आंखों से दिखाई दे रहा होगा, आंखें बिल्कुल लाल हो रही हैं। पता है कई दिन हो चुके हैं, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, पूरी रात नींद नहीं आती है, मतलब एक तो ना शेड्यूल ऐसा बिगड़ा हुआ है, सुबह 6 या 7 बजे तक जाग रहा होता हूँ और उसके बाद थोड़ी देर सोता हूँ और उसके बाद नींद खुल जाती है 1-2 घंटे के बाद। बस अभी पहुंचने वाला हूँ प्रीति के घर पे और यहाँ पे देख लो यार कितनी ज्यादा डेकोरेशन कर रखी है, इतना लार्ज स्केल पे तो नहीं था फंक्शन यार, कुछ और ही चल रहा होगा यहाँ पे, फेस्ट वगैरह ना उसके लिए कर रखी है। चलो गाइस अभी पहुंच चुके हैं एक बार ना, बस देख लेते हैं रेडी हो चुके हैं या नहीं। रेडी हो चुके हो क्या? कितना टाइम लगेगा तुम्हें? चलो हो जाओ, जल्दी रेडी हो जाओ, इतना मैं तुम्हारा होम टूर दे देता हूँ थोड़ा सा ना। ये डेकोरेशन स्पेशली करवाई है या वैसे ही? इतना ऐसी रहती है यूजुअली? अच्छा, तो एक बार आपको ना होम टूर दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, इस सोफे से तो आपको आइडिया हो ही गया होगा मैं कहाँ पे आया हुआ हूँ, मतलब ये है ऑफिशियल प्रीति का घर और इसके क्या है, 2 कजन ब्रदर्स उठा के मैं घर पे ले आया था। तो अब आपको श्योरिटी होगी होगी, मैं नहीं चाहता कि कोई आगे फ्यूचर के लिए कोई कंफ्यूजन रहे, तो जल्दी से जल्दी आपको मिलवा भी दूंगा प्रीति से। तो अभी एक बार बस प्रीति रेडी हो जाती है और फिर चलते हैं, देखते हैं नेल्स एक्सटेंशन वगैरह क्या होता है, कैसे होते हैं, मैं खुद फर्स्ट टाइम देखूंगा यार क्या होता है। आंटी कहाँ पे है? अरे नहीं यार, ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, अभी एक बार चलते हैं, जल्दी रेडी हो जाओ। चलो मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, गाड़ी में ही आ जाना ठीक है। तो गाइस प्रीति आ चुकी है, अभी प्रीति से भी मिलवा देता हूँ। अरे वाह, अच्छी लग रही है शर्ट, अच्छी लग रही है। थैंक यू। और ये क्या फेदर कट करवाया है? अभी तो बस स्पा करवाया था, स्पा करवाया है, अच्छे लग रहे हैं बाल वाल। थैंक यू। चले अभी? हाँ जी चलो। तो गाइस प्रीति आ चुकी है और ऑफिशियल प्रीति जो है वो यही है। कई बार क्या होता है माइंड्स में मतलब ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, ऑफिशियल प्रीति जो है वो यही है, आपको आगे भी यही देखने को मिलेगी। तो अभी चलते हैं, चले अभी फिर? हाँ जी चलो चलो। एक्सटेंशन की तुम्हें करवाना क्या, मेकओवर करवाना एक्सटेंशन? मुझे मतलब नेल एक्सटेंशन प्लस नेल आर्ट। नेल आर्ट अलग अलग होती है? मतलब एक्सटेंशन नेल एक्सटेंशन। चलो ठीक है चलते हैं। तो गाइस अभी एक बार ना जल्दी से चलते हैं, ऑलरेडी लेट हो रहे हैं। आपसे ना एक काम करता हूँ, आपसे ना वहीं जाके मिलता हूँ। तो गाइस वेलकम बैक, फाइनली हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। लोकेशन क्या मतलब घर पे ही है, और जो आर्टिस्ट हैं जो ये आर्ट कर रहे हैं, पहले आपको उनसे ही मिलवा देता हूँ। ऑलरेडी वैसे आप उनसे ना मिले हुए हो। तो गाइस मीट तरा, आप ऑलरेडी तरा से मिल चुके हो, शायद आपने ना तरा को देखा होगा, तरा के मैं बर्थडे पे गया था, वहाँ पे आप तरा के बर्थडे पे आप ऑलरेडी तरा से मिले हुए हो। हेलो, माय नेम इज तारा। तुम्हारे स्टूडियो का नाम क्या है वैसे? ताराज ब्यूटी सैलून। अभी क्या करने वाले हैं अपन? Extensions. Okay. और एक बार तरह के खुद के नेल्स देखना कितने प्यारे लग रहे हैं। वाओ, सीरियसली क्यूट लग रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। ये भी खुद से किए हैं? हाँ जी। दोनों हाथ पे मतलब कैसे कर सकता है आर्टिस्ट अपने। तो अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब प्रीति के साथ क्या करने वाले हैं? हम नेल टिप्स लगा रहे हैं अभी। ओके, एक्सटेंशन के लिए? हाँ जी, एक्सटेंशंस वाली ही नेल्स टिप्स होती है, जो और उसके बाद हमारा बेस बनेगा देन। ओके, और फर्क क्या होता है नेल एक्सटेंशन और इसमें क्या दूसरा क्या, नेल आर्ट में डिफरेंस क्या होता है? नेल एक्सटेंशन फेक लगते हैं और आर्ट वो आर्ट होता है। ओके ओके ओके, समझ कुछ नहीं आया बट सुन के अच्छा लगा। एनीवेज देखते हैं अभी, हो जाने देते हैं और फिर फाइनल आपको दिखाऊंगा।
और अभी क्या कर रहे हैं इसमें? अभी हम टिप्स लगा रहे हैं फाइल करके। ओके ओके ओके। फाइल इसलिए करते ताकि अच्छे से स्टे रहे। ओके ओके ओके। मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आया। एनीवेज मेरी ऑडियंस है उसको समझ आ जाएगा क्योंकि मोस्टली फीमेल्स हैं। दिखाना एक बार ये क्या मतलब इसको बोलते हैं नेल एक्सटेंशन ये करवाए हैं। अरे वाह क्या खाने वाने के काम आते हैं कैसे मतलब ये? मारने के तो उसके लिए लगवाने के सही है अच्छे लग रहे हैं ना। तो गाइस ये देख लो ये है प्रीति का हाथ। रिमेंबर मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको हमेशा ताकि याद रहे ना मतलब कलर कॉम्प्लेक्शन देख लो थोड़ा सा ना उससे आइडिया हो जाएगा। और अभी क्या है एक्सटेंशन हो रहे हैं इसके ऑलरेडी जो पहले वाले थे वो काट दिए ना वो काट दिए और अब जो है दूसरे लग रहे हैं। अभी आपको बिफोर लुक दिखा देता हूँ बिफोर कुछ ऐसा है। तो तरह ये प्रोडक्ट्स वगैरह कहाँ से लेती हो तुम? दिल्ली से सही है। और क्या ये कौन सा ये जो तुम बता रही हो वही है क्या सर्टिफिकेट? हाँ जी साइरस मैथ्यू मेकओवर्स। ओके यार आज मेरे जो भी हो रहा है ना यहाँ पे समझ से बाहर है जो चीजें हो रही है। क्या हो रहा है तेरा अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नेल टिप कट कर रहे हैं। क्या होता है ये टिप कटर है। हाँ। इसे हम ये टिप्स कट कर रहे हैं ताकि हमें जितनी लेंथ चाहिए उतनी हो जाएगी। ये ज्यादा ही लंबी है ना। ठीक है करो लेंथ कितनी? ठीक है या इसे थोड़े छोटे करवाने हैं क्या तुम्हें? तुम क्या लग रहा है मेरी समझ से बाहर नहीं है। पॉकेट में नहीं अड़ेंगे ये? थोड़े से और छोटे करवा लो है ना। देखो समझदारी वाली बात करी ना लड़का हूँ लेकिन फिर भी मेरे को प्रैक्टिकली समझ आ गया। ये बाद में काम आते हैं यूज कर सकते हैं बाद में मेमोरीज के लिए रख सकता हूँ। हम शेप बनाएंगे कौन सी बनाए? राउंड तो नॉर्मली रखती हूँ। हाँ और वो ट्रेंडिंग में भी अभी। ठीक है राउंड स्क्वायर कर रहे हैं? सॉफ्ट स्क्वायर। ओके ओके ओके। तो गाइस ये कुछ कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं कुछ वो मतलब आपको शायद समझ आ जाएगा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या प्रोसेस हो रहा है बट अच्छा लग रहा है ठीक है मतलब कुछ क्रिएटिविटी मतलब ऐसा आर्ट्स लग रही है मतलब जैसे होता है ना वो सब चीजें आपके समझ आ रहा होगा आपके काम की चीज है। तो गाइस यहाँ पे ना आधा घंटा हो चुका है ना तो क्या है दीदी वो भी लेके आए हैं कॉम्प्लीमेंट्री जो होते हैं ना पिज्जा वगैरह भी लेके आए हैं साथ में। बीच में जो गैप था उसे फिल कर रहे हैं एक्रेलिक। ओके ओके ओके। जो मतलब दो तरह के बेसिस होते हैं एक होता है जेल और एक होता है एक्रेलिक। हम एक्रेलिक यूज कर रहे हैं क्योंकि इनकी लेंथ बड़ी है नेल्स की। ओके। और हमें डर लगता है कि बीच से ब्रेक ना हो जाए। ओके 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 ओके। हाँ जी ये एक्रेलिक पाउडर ये अच्छा। मोनोमर ये डिपेंडिश एंड ये एक्रेलिक ब्रश। ये मेरा बहुत गंदा हो रखा है। और ये क्या है ड्रायर? नहीं ये विलैम्प। इसके अंदर नेल पेंट जो लगती है ना नेल के ऊपर वो यूवी रेज होती है। इसके अंदर यूवी रेज नेल पेंट ही सूखती है। तो गाइस अभी देख लो आपको ना दिखा देता हूँ ऑलमोस्ट ये होने वाला है। अभी इसके बाद क्या करेंगे तरह? इसके बाद हम फाइल करके देन नेल पेंट करेंगे। ओके ओके ओके। गाइस आप देख लेना जो भी बता रही है ना तरह काम की चीज है सीखने सीखनी भी हो तो भी और वैसे भी तो अभी बस ये होने वाला है। ये एक बार होने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक कैसा हुआ है। अभी आपको दिखा देता हूँ अभी क्या प्रोसेस हो चुका है। ये वाला क्या हुआ है तरह अभी? ये बेस कम्प्लीट हो चुका है। ये नेल पेंट लग रही है अभी। हाँ जी। कौन सा यूज कर रहे हैं हम नेल पेंट उसके लिए? यूवी जेल। जो भी है गाइस बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज करते हैं। इसके बाद इस कुछ और भी होगा इस पे कार्टून वार्टून भी बनेंगे? नहीं कार्टून नहीं बनेंगे। अच्छा मतलब सिंपल सा। तो ये कलर यही वाला चूज किया है? हाँ जी। ठीक है अच्छा लग रहा है ये वाला भी ना। ये सभी ड्रेस के साथ चला जाएगा ना? ये नेल पेंट लगा रहे हैं इसके अंदर ड्राई हो रहा है। ये ड्राई हो रहा है और ये वाला नेल पेंट लग रही है जैसे हमारी नॉर्मल नेल पेंट बाहर। ओके ओके मतलब फिनिशिंग हुई है इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए ना। हाँ जी। ओके तो गाइस देख लो एक हाथ है वो सुखाया जा रहा है और एक हाथ है ये कहाँ रखा है ये भी हो चुका है। तो इन पे सब पे होगा या एक पे ही? एक पे ओवर हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो गाइस देख लो हाथ एक्सचेंज कर चुके हैं मतलब अब वो सुखाने के लिए डाल दिया है ओवन में और ये वाला क्या बोलते हैं ओवन लैम्प। ओके और दूसरा वाला हाथ है इस पे क्या कर रहे हैं अभी फिनिशिंग फाइनल टॉप कोट। ओके ओके तो गाइस बस होने वाला है अभी कितना टाइम और लगेगा इसमें? 5 मिनट्स और लगेंगे और फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक। तो गाइस देख लिया आई होप आपको भी ना फाइनल लुक जो है वो पसंद आई हो। कंपैरिजन के लिए आपको दिखा देता हूँ नॉर्मल जो हमारे हाथ होते हैं ना वो कुछ इस टाइप के होते हैं तो फॉर अ चेंज आपको कंपैरिजन के लिए दिख जाएगा नॉर्मल हैंड्स वर्सेस जो अभी तरह ने किए हैं। ऑब्वियसली हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा है पसंद आए हैं और आपको भी आई होप पसंद आए हो। अगर आपको पसंद आए आप करवाना चाहते हैं तो आप तरह से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तरह? अपना इंस्टा हैंडल बता दो। इंस्टा tara_chug पर भी डीएम कर सकते हैं। ओके स्पेशली क्या ये हेयर का नेल एंड मेकअप का तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो तरह से। पर्सनली मेरे को और प्रीति का ना इनका मेकओवर आइडियाज और बहुत सारे जो है नेल आइडियाज बहुत अच्छे लगे हैं और वहां पे देख लो एक डॉगी भी घूम रहा है शिवू।
और भी क्रिएटिव आइडियाज है ना इंस्टा हैंडल पे, मतलब और भी डिजाइन, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो और फॉलो भी कर सकते हो। तो गाइस आई होप आपने आज का व्लॉग देख लिया होगा। आज का व्लॉग क्या है, मेरे किसी भी काम का नहीं था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, बट आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी, मतलब आपके काम की चीजें थी आज जो भी है। तो ठीक है गाइस, अभी इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे बहुत सारे काम है, मतलब अपनी ड्रेस के लिए उठाने जाना है, और फिर डेफिनेटली जल्दी से ना नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रीति से मिलवाई दूंगा, मतलब आपको प्रीति के दर्शन करवाई दूंगा, काफी टाइम हो चुका है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो का, इस व्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। अगर आज का वीडियो, आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।